हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन टूडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सीटे 2019 जुलाई का जो एसएसटी पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं 31 वन ए इट विल बी 7:30 थर्टी पी एम इन इंडिया वन इट इज़ टू पी एम इन लंडन रीजन इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट एटी डिग्री ईस्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवेन ऑल्टरनेटिवस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू बोथ ए एंड आर आर ट्रू आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसके बारे में हम मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल्स आपको दे दूंगी लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड और हम टाइम कैसे कैलकुलेशन करेंगे अभी सिर्फ आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन टाइम जोन एंड चूज़ द करेक्ट आंसर हमें ए बी सी स्टेटमेंट देखना है और टाइम जोन के बारे में क्या क्या सही है ए बी सी में उसको टिक करना है ऑप्शन ए सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड सो दे एडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम कोई कोई कंट्री में मोर देन वन लॉन्गील एक्सटेंड होता है इसलिए वो एक से ज़्यादा टाइम जोन एडॉप्ट करते हैं ये बिल्कुल सही है द अर्थ नेक्स्ट आते हैं द अर्थ हैज बिन डिवाइडेड इन टू ट्वेंटी फोर टाइम जोन ऑफ वन आवर ईच ये भी सही है सी ईच टाइम जोन कवर्स फिफ्टीन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड यह भी सही है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री ए बी सी ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट करते हैं थर्टी थ्री चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमोसफियर्स लेयर्स बिगिनिंग फ्रॉम अर्थ सर्फेस अर्थ का सर्फेस से स्टार्ट करके हमको लेयर्स को अरेंज करना है इसका बिफोर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ पूरा डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली उसको देख लीजिए ऑप्शन नंबर वन प्रोपोस्प्योर स्ट्राटोस्प्यर मेसोस्प्योर थर्मोस्प्योर एंड एग्जोस्पियर यही करेक्ट है बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट आते हैं थर्टी फोर सीजन अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सीजन जो चेंज होता है उसका कौन सा कौन सा रीजन है ऑप्शन नंबर वन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग वर्टिकली एट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट हाफ डिग्री साउथ सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ़ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस एक्सिस ऑफ द अर्थ एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इसका करेक्ट आंसर है टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन जो अर्थ है उसका सेम डक्शन में वो झुक के रहता है नेक्स्ट थर्टी फाइव द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ एटमोस्फीयर बाई इज़, जो अर्थ में हमारा मेजर परसेंटेज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन हीलियम एंड ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू नाइट्रोजन नेक्स्ट थर्टी सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशन करेंट्स आर करेक्ट ओशन करेंट के बारे में कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स ऑप्शन नंबर बी लैब्रेडर इज अ वार्म करेंट ऑप्शन नंबर सी एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स जिसमें कोल्डर वार्म करंट मिलते हैं वो सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है ये सही है इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी आर करेक्ट बी गलत है इसका ए एंड बी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट करेंगे थर्टी सेवन द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज़ कॉल्ड ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर्स जो है उसको क्या बोलते हैं मोरेन लोएस लेविस सी केव उसको बोलते हैं हम मोरेन्स ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट थर्टी स्टेटमेंट्स ए एंड बी डिज़ायर द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशंस ऑप्शन नंबर ए दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमस्फियर ऑप्शन नंबर बी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेइगा ऑप्शन देख लेते हैं टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट कोनीफेरस फॉरेस्ट मेडिटेरियन वेजिटेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू कॉनिफेरस फॉरेस्ट फॉरेस्ट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ लेंगे नेक्स्ट आते हैं थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का फीचर नहीं है नॉट पे आपको फोकस करना है देख लेते हैं द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन आर वेरी हाई पॉपुलेशन हाई है बिल्कुल सही है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तो वो फर्टाइल रहता है उसमें हमारा जो कल्टिवेशन है बहुत अच्छे से होता है तो ऑब्वियसली उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ऑप्शन नंबर टू द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट ये भी सही है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टिवेशन ये गलत है ऑक्सबोलेक्स डॉट द प्लेन एरिया उसको क्या बोलते हैं हम ऑक्सबो ये भी सही है इसका करेक्ट इसका जो नॉट में लिखा है ये होगा ऑप्शन नंबर थ्री जो गलत हो जाएगा नेक्स्ट फोर्टी स्विमर्स कैन नॉट फ्लोट इन डेड सी स्विमर्स जो है वो डेड सी के अंदर तैर नहीं सकते क्यों नहीं तैर सकते मोर वार्म करेंट्स देन कोल्ड करेंट्स ओरिजिनेट इन द सी सी एक्सपीरियंसिस मोर हाई टाइड्स देन लो टाइड्स द इनक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस विंडोज ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर इसका करेक्ट आंसर है द इनक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस उसका सॉल्ट कंटेंट है जो बहुत ज़्यादा है इसलिए उसमें स्विमर्स फ्लोट करने लगते हैं 41. वन कंसिडर द स्टेटमेंट्स एंड बी अबाउट लैंड यूज एंड चूज द करेक्ट आंसर लैंड यूज के बारे में ए बी में से कौन सा सही है कौन सा सही है और ट्रू और फॉल्स है क्या है चलिए पढ़ते हैं ए लैंड यूज रेफर्स टू यूज ऑफ लैंड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री बी लैंड यूज इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाई इट्स ट्रोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री बोथ ए एंड बी आर फॉल्स नेक्स्ट फोर्टी टू सेल्टर बेल्ट हैल्प इन सेल्टर बेल्ट हमको किस में हेल्प करते हैं ऑप्शन नंबर वन रिटेनिंग सॉयल मॉइस्चर ऑप्शन नंबर टू स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर ओवर सॉइल ऑप्शन नंबर थ्री प्रिवेंटिंग गुलिस एंड हैंड्स फॉर द सॉयल लॉस फोर चेकिंग विंड्स मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉयल कवर इसका करेक्ट आंसर है फोर चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉयल कवर सेल्टर बेल्ट हमको प्रोटेक्ट करता है सॉइल को चेक सॉइल को वो जो उड़ा के ले जाते हैं उसको कवर करने में मदद करता है नेक्स्ट पढ़ेंगे 43 थ्री वट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल सॉइल प्रोफाइल का थिकनेस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वन टाइम फ्लोर एंड फोना क्लाइमेट एंड रिलीफ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन टाइम नेक्स्ट फोर्टी फोर ऑन द बेसिस ऑफ दे डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम रिसोर्सिस को कैसे क्लासीफाइड करेंगे ऑप्शन नंबर वन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बायोटिक एंड एबिक रिसोर्सेज यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेस। इसका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। नेक्स्ट आते हैं फोर्टी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज करेक्ट बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर वन इट वुड हैव डिफरेंसेज इन कल्चर एंड पावर सेकेंड इट वुड हैव सिमिलरिटीज ऑफ लैंग्वेज रिलीजन एंड कल्चर इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ इन लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजियन इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड इनिटीज़ इन लैंग्वेज रिलीजियन एंड कल्चर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज इन लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजियन बायोडाइवर्स सोसाइटी में लैंग्वेज कल्चर और रिलीजियन में हमें डिफरेंसेज देखने को मिलेगा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियो टाइप इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है स्टेटमेंट जो है हमको जेंडर स्टेडियो टाइप को चैलेंज करता है ऑप्शन नंबर वन वुमेन आर फैशन कॉन्शियसनेस वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स वुमेन आर नर्चरिंग वुमेन आर इमोशनल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू क्योंकि हमेशा बस ड्राइवर्स कौन होते हैं मैन होते हैं लेकिन इसमें उल्टा दे दिया वुमेन आर रेस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट आते हैं फोर्टी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कम्पोज द मेन डिमांड ऑफ द सफ्रेगेट सफ्रागेट का मेन डिमांड क्या है हम हमने जैसे पढ़ा है राइट टू वोट फॉर वुमेन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवास जातकस इज करेक्ट जातकस के बारे में कौन सा करेक्ट है जातकस आए तो हमको डायरेक्टली वो माइंड में क्या स्ट्राइक होता है वो बुद्धिज़्म के ऊपर नेक्स्ट देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर वन दिस वर कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय जैन मॉन्ग्स ऑप्शन नंबर टू दिस वेयर कंपोज बाय बुद्धिस्ट मॉन्ग्स रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय ऑर्डिनरी पीपल दिस वेर कंपोज बाय जैन मॉन्ग्स रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय ऑर्डिनरी पीपल दिस वेयर कंपोज बाई ऑर्डिनरी पीपल रिटर्न डाउन बाई रिटर्न डाउन एंड प्रिजर्व बाई बुद्धिस्ट मॉन्ग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर जैसे कि मैंने बोला था जा तक इसके बारे में आए तो वो बुद्धिज्म के ऊपर फोकस करता है नेक्स्ट फोर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईन ई अकबरी इज करेक्ट आईन ई अकबरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन नंबर वन इट डील्स विद अकबर एंसेस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन इट वॉज रिटर्न बाय मिर्जा हाकिम हु वॉज वन ऑफ अकबर कोर्टियर्स ऑप्शन नंबर क्या बोलता है ये अकबर का एंसेस्टर्स के बारे में है पूर्वजों के बारे में है जिसको अकबर जो रिकॉर्ड हुआ है अकबर के शासनकाल में सेकेंड क्या बोलता है ये मिर्जा हाकिम के बारे में है जो अकबर का कोर्ट में शामिल था ऑप्शन नंबर थ्री इट हैज़ रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन में जो डाइवर्सिटी होता था उसका बारे में ये डिटेल्स लिखा गया है फोर्थ आते हैं इट इज़ द फोस्ट वॉल्यूम ऑफ थ्री वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन टाइटल अकबर नामा तीन वॉल्यूम का अकबरनामा जो तीन वॉल्यूम में लिखा गया है उसमें से एक पार्ट है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री इट हैज़ रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन आई एन ई अकबरी ये डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ उसका उनके एडमिनिस्ट्रेशन शासनकाल का बारे में जो डिटेल्स है उसमें लिखा गया है नेक्स्ट फिफ्टी हु एमोंग द फॉलोइंग कम्पाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी ऑल्सो एडिंग हिज ओन कॉम्पोजिशन टू इट इसमें से कौन गुरु नानक का जो लिखा है गुरुमुखी और उसका खुद का भी एड कुछ किया है गुरु अंगद गुरु अर्जुन गुरु टेक बहादुर गुरु गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर है गुरु अंगद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है उसको हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन ऑल सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी सभी को आर्मी और नेवी में काम करना कंपलसरी था ऑप्शन नंबर टू ऑल द सिटीजन्स अटेंड असेंबली दैट वर हेल्ड फॉर डिसाइडिंग अपन मैटर्स सभी सिटीजन को बैठ के सभी मैटर्स पे सोल्यूशन करते थे मिलजुल के ऑप्शन नंबर थ्री अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजिशंस वर मेड थ्रू लॉटरी लॉटरी के थ्रू सभी पोजिशंस डिसाइड होता था ऑप्शन नंबर फोर ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन अबव थर्टी ईयर्स ऑफ एज विकोगनाइज एज फुल सिटीजन ऑल मैन एंड वुमेन को रिकोगनाइज किया गया था फुल सिटीजन देखिए वुमेन को सिटीजनशिप बहुत देर से मिली है तो इसका करेक, न, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर मतलब जो हमारा एलिमिनेट होगा एथेनियन डेमोक्रेसी में नहीं होता था वो ऑप्शन फोर में जो है ऑल मैन एंड वुमेन कंसिडर एज सिटीजन वो गलत हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं फिफ्टी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग वज समुद्र पॉलिसीज स्पेसिफिकली टूवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिणा दक्षिणा पथक के बारे में समुद्र गुप्त का कौन सा पॉलिसी सही है दे सबमिटेड टू समुद्र गुप्त एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज वो समुद्र गुप्त के वो गुप्त वो समुद्रगुप्त के लिए सबमिटेड थे और अपने डॉटर्स को मैरिज के लिए देते थे दे ब्रॉड ट्रिब्यूट फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोर्ट वो उनके कोर्ट में अटेंड होते थे दे सरेंडेड आफ्टर बींग डिफीटेड एंड देन वेर अलाउड टू रूल अगेन वो सरेंडर हो जाते थे वो वो जो क्या है वॉर में डिफीट होते थे एंड अगेन वो रूल करने के लिए अलाउ करते थे फोर देर किंगडम्स वेर अप्रूटेड एंड मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्तस एम्पायर उनका किंगडम अप्रूट होता था एंड बाद में समुद्रगुप्त का एम्पायर बन जाता था इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री वो पहले कंक्वेयर कर लेते थे आफ्टर दैट उनको फिर से अलाउ करते थे उधर में रूल करने का लेकिन उनको उनके साथ कनेक्शन भी अच्छे से रखते थे नेक्स्ट 53 थ्री मैच द फॉलोइंग इसको मैच करना है आर्ट फॉर्म आर्ट टेक्निक दट एनाबल्स मेकिंग ऑफ इमेजेस दट लुक रियल बी पेंटिंग शोइंग इंडियन लैंडस्केप एज क्विंट अनएक्सप्लोर लैंड पेंटिंग्स डिस्प्लेंग लैविस्ट लाइफ स्टाइल वेल्थ एंड स्टेटस ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पेंटिंग डिपेक्टेड सीन्स फ्राम ब्रिटिश इम्पेरियल हिस्ट्री एंड विक्ट्रीज इसको हम में मैच करना है चलिए इसको देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर ए का देखिए आरटेक्निक्स दैट एनाबल मेकिंग ऑफ इमेज दैट लुकड रियल इसका मैच होगा फोर के साथ ऑयल पेंटिंग और देखिए फोर का कोई ऑप्शन है नहीं है टू वन टू थ्री में नहीं है तो डायरेक्टली आपको इस पर टिक कर देना है यही करेक्ट है नेक्स्ट फिफ्टी फोर इन द लेट एटीन सेंचुरी द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे मड्रास एंड बेंगल डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ़ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग पोस्ट एटीन सेंचुरी में मुंबई मद्रास और बेंगल जो डेवलप किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से ट्रेडिंग पोस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा फिफ्टी फोर का ऑप्शन नंबर फोर सूरत मड्रास एंड कैलकाटा नेक्स्ट फिफ्टी फाइव कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट महायान बुद्धिज्म चूज द करेक्ट आंसर महायान बुद्धिज्म के बारे में इसमें से कौन सा एक करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म स्कल्पर फॉर शोन यूजिंग सटेन साइंस बुद्धिज्म का जो कुछ स्क्रिप्चर्स है वो सटे साइंस से उनको दिखाते थे द बिलीफ इन बुद्धिस्तव एमर्ज विदिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म जो बुद्धिसत्व है वो महायान के साथ मर्ज हो गए इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज फॉल्स बी इज ट्रू ए फॉल्स से जो हमारा जो साइन दिखाते थे वो दिखाते थे हिनायान में महायान में नहीं है और बुद्धिसत्व में महायान हिनायान बहुत मर्ज हो गए तो इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का ऑप्शन नंबर वन ए इज फॉल्स बी इज ट्रू नेक्स्ट आते हैं 56 सिक्स

महालवरी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए है जो बंगाल के अंडर में जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी में और रॉयतवारी जो है वो ब्रिटिश टेरिटोरी साउथ के में जो ब्रिटिश टेरिटोरी है उसको जाता था ऑप्शन नंबर बी विच वाइल इन महालवरी विलेज हेडमैन कलेक्टेड एंड पेड रेवेन्यू ऑफ द होल विलेज टू द कंपनी जो माहौल सिस्टम में विलेज का हेडमैन सभी रेवेन्यू कलेक्ट करता था और कंपनी को देता था इन रोयतवरी डायरेक्ट सेटलमेंट्स वर मेड विथ कल्टिवेटर्स रोयतवरी में डायरेक्ट सेटलमेंट होता था कल्टिवेटर्स के साथ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू बोथ ए एंड बी करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन द टू रेवेन्यू सिस्टम ये दोनों ही रेवेन्यू सिस्टम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट आते हैं 57 सेवन ए टॉम ऑफ ए सूफी सेंट इज़ नॉन एज सूफी सेंट को टॉम को क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे दरगाह तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री फिफ्टी एट द डॉक्टर इन ऑफ विशिष्ट बाधिता वॉज प्रम्पाउंडेड इन इलेवेंथ सेंचुरी बाय बासवाना सकुबाई एकनाथ रामानुज इसका करेक्ट आंसर है फोर रामानुज फिफ्टी नाइन कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन दीवानी अदालत एस्टैब्लिश इन सेवेंटीन सेवेंटी टू इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर सेवनटीन सेवेंटी टू में इंडिया में जो दीवानी अदालत एस्टैब्लिश हुआ था इनमें इस इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है ऑप्शन में पढ़ेंगे इट वॉज़ अ क्रिमिनल कोर्ट इट वॉज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये क्रिमिनल कोर्ट था और ये यूरोपियन कलेक्टर्स के द्वारा प्रिजाइडेड होता था इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू ट्रिक्सटी अ गरिशन टाउन रेफर्स टू गरिशन टाउन क्या होता है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स ये गेरिशन टाउन जो है वो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता था सोल्जर्स के साथ इसका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर है सिक्सटी वन ए सोशल साइंस टीचर शुड एम टूअर्ड्स सोशल साइंस टीचर का एम क्या होना चाहिए बिल्डिंग परस्पेक्टिव्स सिलेबस कंप्लीशन सिलेबस के ऊपर हमको फोकस नहीं करना है पासिंग द एग्जामिनेशन रोट मेमोराइजिंग रोट मेमोराइजिंग नहीं करना सिर्फ एग्ज़ाम का पासिंग पे फोकस नहीं करना उसका करेक्ट आंसर होगा बिल्डिंग परस्पेक्टिव्स नेक्स्ट सिक्सटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग अप्रोचेस हैव बिन कंसिडर्ड वाइल्ड डेवलपिंग सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक जब हम सोशल और पोल्टिकल लाइफ टेक्स्ट बुक को देखते हैं पढ़ाते हैं हमें कौन से कौन से अप्रोचेस अपनाना चाहिए लर्निंग थ्रू यूज ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंस कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंस को हमें लर्निंग में लाना चाहिए लर्निंग थ्रू रिटेंशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डाटा जो हमारा फैक्ट्स एंड डाटा के ऊपर है उसके ऊपर रिटेंशन करना चाहिए इसका करेक्ट आंसर है सिक्सटी टू का ऑप्शन नंबर फोर ओनली ए डाटा और फैक्ट्स देने से बच्चे क्या पढ़ेंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे पॉलिटिकल, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली ए जो हमें डे टू डे लाइफ का कंक्रीट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को वो डेली क्या करते हैं क्या नहीं उसके पढ़ पढ़ जो पढ़ाई है उनको उनके लाइफ में लाना चाहिए नेक्स्ट सिक्सटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल साइंस सोशल साइंस के बारे में कौन सा ट्रू है मेमोराइजिंग इन्फॉमेशन विल लीड टू कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट द स्टेटस ऑफ ए फैक्ट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड जो फैक्ट होता है वो ऑलवेज फिक्ड फिक्स्ड होता है और मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन विल लीड टू कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट मेमोराइजिंग जो हम मेमोराइज करते हैं वो उसमें से हम कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हमारा होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री नेदर ए नॉर बी इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है मेमोराइजिंग हमको नहीं करना है कुछ भी और फैक्ट जो है वो हमेशा फिक्स भी नहीं होता है नेक्स्ट आते हैं सिक्सटी फोर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टूअर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड बी जो हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है जो बच्चे जो करते हैं उसका क्या होना चाहिए प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए ये हम ये आ गया हमारा एक ई का क्वेश्चन प्रिपेयरिंग ए प्ले ऑन ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक प्ले करना है उनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर ऑब्जर्विंग वाइल्ड लाइफ वीक एट द स्कूल स्कूल में वाइल्ड लाइफ वीक हमको बनाना है करना है प्लेजिंग नॉट टू बाई एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं है रीडिंग अबाउट रेलिवेंट पॉलिसीज एंड लॉस रेलिवेंट रेलिवेंट जो पॉलिसीज एंड लॉस है उसको पढ़ना है पढ़ने से क्या होगा ऐसा कुछ नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री प्लेजिंग नॉट टू बाई एनिमल बेस्ट प्रोडक्ट्स हम अगर एनिमल बेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन भी अच्छे से होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव वट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एन बुक इवोल्यूशन बुक इवोल्यूशन का मेन पर्पज़ क्या है टीचर्स नीड नॉट अंडर गो एक्स्ट्रा प्रेशर टू फ्रेम न्यू क्वेश्चन टीचर्स को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए क्वेश्चन फ्रेम करने में क्वेश्चन बनाने में स्टूडेंट्स नीड नॉट रीड एक्स्ट्रा बुक्स स्टूडेंट्स को ज़्यादा बुक पढ़ने के लिए नहीं देना है स्टूडेंट्स कैन आंसर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा ही आंसर करना है स्टूडेंट्स नीड नॉट फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट्स एंड डिटेल्स बच्चों को रोट मेमोराइजिंग नहीं करना सभी फैक्ट्स और डिटेल्स को जानने में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर स्टूडेंट्स को कभी भी बर्डन फील नहीं कराना चाहिए उनको रोट मेमोराइज के लिए और फैक्ट्स को डिटेल्स को सभी को मेमोराइज़ करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना है नेक्स्ट आते हैं सिक्सटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट क्लोजर टास्क आफ्टर द टीचिंग ऑफ द थीम द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स सबसे क्लोज़र टास्क क्या होगा जब हम पढ़ाते हैं द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर ऑप्शन देखेंगे स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट्स डेंस परफॉर्मेंस बाई एन एक्सपर्ट क्विज कॉम्पिटिशन कोलैग मेकिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए सी एंड डी एक एक्सपर्ट डांस करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा रीजनल कल्चर्स के ऊपर हम कोलैग बनाएंगे क्विज कॉम्पिटिशन्स करेंगे स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसके थ्रू हम रीजनल कल्चर्स को जान सकते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इमेजिन यू हैव इन्हेरिटेड किंगडम हाउ वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रॉस्परस आपका एक किंगडम है उसको स्टेबल और प्रॉस्परस कैसे बनाएंगे इन कॉन्टेक्सट ऑफ द एब क्वेश्चन एज अ टीचर विच स्किल वुड यू एम्फसाइज अपन वाइल्ड एक्सेसिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज इंफर एंड एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन एबिलिटी टू रीजन कंपेरिंग एक्सपीरियंसेस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन हम सिचुएशन को कनेक्टेड करके बच्चों को बोलेंगे उनको दिखाएंगे तो ये अच्छा स्किल बन सकता है नेक्स्ट आते हैं सिक्सटी एट अ रेस्पेक्टफुल वे टू इंट्रोड्यूस द थीम आदिवासी वुड बी टू आदिवासियों को रेस्पेक्टफुल बनाने के लिए एक थीम क्या हो सकता है शो केसिंग देर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स स्क्रीनिंग एट ट्राइबल सॉन्ग एंड डांस डिस्कस देर प्रिमिटिव एंड rustic pasts portraying them as रिच एंड पावरफुल फॉर फॉरेस्ट पीपल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर portraying देम एज रिच एंड पावरफुल फॉरेस्ट पीपल नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 while teaching टीचिंग issues in इन सोशल साइंस क्लास यू शुड जब हम सोशल साइंस क्लास में कंट्रोवर्शियल इश्यूज पढ़ाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए कंप्लीटली एवॉइड कॉन्फेंट्रेशन हमें कम्प्लीटली एवॉइड नहीं करना है कीप इन माइंड स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड डिस्कस ओनली नॉन हर्टफुल आस्पेक्ट्स हमें स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड को देख के हर्टफुल थिंग्स नहीं बोलना ये भी गलत है टेक देम अप ऑकेजनली एंड कंडक्ट ब्रीफ डिस्कशन उनको ओकेजनली ले कर ब्रीफ डिस्कसन करना चाहिए टेक देम अप विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड इनिशिएटेड डिग्निफाइड डिस्कसन एक डिग्निफाइड उनको लेके एक डिग्निफाइड डिस्कसन करना चाहिए यही होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट सेवेंटी द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फोकस ऑन सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स दोनों पे फोकस करना चाहिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू बोथ ए एंड बी नेक्स्ट सेवेंटी वन प्लानिंग ए स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी विद स्टूडेंट्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग शुड बी एम्फासाइज बच्चों के साथ एक स्मॉल प्लानिंग और ग्रुप एक्टिविटी करने के टाइम हमको किस पर एम्फासाइज करना चाहिए टू क्रिएट ए चैलेंजिंग टास्क टू टीच स्टूडेंट्स टू वर्क टूगेदर टू सिलेक्ट ग्रुप थाटफुली कम्प्लीशन ऑफ टास्क इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर ए बी एंड सी हमें सिर्फ टास्क कंप्लीट के ऊपर फोकस नहीं करना उनको चैलेंजिंग टास्क देना है क्रिएट करना है उनको मिलजुल के कैसे काम करते हैं वैसा भी सिखाना है और थॉटफुली अपने खुद के माइंड से कंसट्रेट करके थॉटफुली ग्रुप के साथ मिलजुल के करना वो सब सिखाते हैं नेक्स्ट आते हैं सेवेंटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द स्टडी ऑफ सोशल साइंस सोशल साइंस स्टडी करने का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हेल्प्स इन सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ इश्यूज स्टूडेंट्स विल ग्रो अप एंड फाइंड आउट फॉर देम सेल्व्स फोकस सुड बी ऑन सब्जेक्ट डिटेल्स रेदर देन अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग सेंसिटिविटी एंड क्यूरोसिटी एज मच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन ए एंड डी हेल्प्स इन सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ इश्यूज हमें इश्यूज का सिस्टमैटिक एनालिसिस करना है और बिल्डिंग सेंसिटिविटी एंड क्यूरोसिटी एज मच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन हमें सेंसिटिविटी और क्यूरोसिटी का प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है नेक्स्ट द राइटिंग ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड एज अ प्राइमरी रिसोर्स किसका राइटिंग को हम प्राइमरी रिसोर्स के जैसे नहीं लेते हैं अबुलफाजल राज सुंदरी देवी जियाउद्दीन बरानी मुजफ्फर आलम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर मुजफ्फर आलम नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग सोर्स वुड बी रॉन्ग टू यूज़ इफ़ यू हैव द इंट्रोड्यूस एंशेंट इंडियन हिस्ट्री ये इसमें से कौन सा रॉन्ग होगा जब हम इंडियन हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स इंस्क्रिप्शन मैन्यूस्क्रिप्ट कैफ पेंटिंग इसका करेक्ट आंसर है मिनिएचर पेंटिंग हम मिनिएचर पेंटिंग दिखा के एंशेंट इंडिया का हिस्ट्री नहीं बता सकते हम इंस्क्रिप्शन दे सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट दे सकते हैं कैफ पेंटिंग क्योंकि हमारे ये एंसेस्टर ने बनाया है नेक्स्ट सेवेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ सोशल साइंस टीचर क्रिटिकली एड्रेस वाइल डिस्कसिंग द थीम एडवर्टाइजमेंट अपील टू द पर्सनल इमोशन ईशूज ऑफ इक्वालिटी जब सोशल साइंस टीचर एडवर्टाइज के ऊपर डिस्कसन करते हैं तो उनको किस पे किस पे क्रिटिकली बताना है अपील टू द पर्सनल इमोशन उनका खुद का पर्सनल इमोशंस बताना है ईशूस ऑफ इक्वालिटी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री बोथ ए एंड बी उनका पर्सनल इमोशंस भी बताना है और इक्वलिटी का इशूज भी बताना है नेक्स्ट आते हैं सेवेंटी सिक्स डिस्कस फ्यू मोर रीजन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न कुछ रीजन्स बताइए जिसके कि हम जो रेस्पॉन्सिबल हैं लैंड यूज पैटर्न में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबव क्वेश्चन एज अ सोशल साइंस टीचर आप क्या करेंगे बच्चों के स्किल्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे जनरलाइजिंग इन्फरिंग हाइपोथेसाइजिंग क्लासिफाइंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री हाइपोथेसाइजिंग नेक्स्ट सेवेंटी सेवन टू फैमिलराइज स्टूडेंट्स विद द थीम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ विच उड बी द बेस्ट पैराजोजिकल मैथड जब हम बच्चों को थीम पढ़ाते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑन वाइल्ड लाइफ के उसका पेडागोजिकल मैथड क्या होगा विजिट टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्वाइटिंग एन एक्सपर्ट फॉर ए लेक्चर टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड डिस्कसन स्क्रीनिंग एंड डॉक्यूमेंट्री ऑन द थीम बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घुमाने लेना चाहिए उन कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए लेक्चर देने के लिए टेक्स्ट बुक और डिस्कशन और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना चाहिए जब बच्चे डायरेक्टली देखते हैं तो वो अच्छे से जान लेते हैं इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फील्ड विजिट और विजिट टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेक्स्ट सेवेंटी एट वट इज़ द रोल ऑफ कार्टून इन अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक कार्टून का रोल क्या होता है एक सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में ऑप्शन देखते हैं मेनली यूज एज फीलर सो द टेक्स्ट बुक लुक अट्रैक्टिव टेक्स्ट बुक को अट्रैक्टिव करने के लिए यूज होता है मेक्स क्लास एंजॉयल एज द सब्जेक्ट इज बोरिंग सब्जेक्ट बोरिंग है इसलिए उसको एन्जॉयबल करने के लिए यूज होता है रेजेस बेसिक इशूज एंड मेक इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स बेसिक इशू को रेज करना है बच्चों के साथ रिलेट करना है नो रोल एज कार्टून एज इमेचोर कार्टून इमेच्योर है इसलिए कोई भी रोल नहीं होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री कार्टून के साथ बच्चों को रिलेटेबल करना है हमको इशूस को और का, कार्टून को दोनों को रिलेट करना है नेक्स्ट सेवेंटी नाइन कॉन्सिडर स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन द प्रैक्टिस एंड अपर इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन रेसेस बट अलाउस ऑल द राइट टू वोट इट प्रिवेंट्स मिंगलिंग ऑफ रेसेस बट गिव्स इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटीज टू ऑल ये रेसेस को डिस्क्रिमिनेट करता है बट राइट टू वोट देने का राइट देता है ये प्रिवेंट्स इट प्रीवेंट्स मिंगलिंग ऑफ रेसेस बट गिवस इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटीज टू ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री वोथ ए एंड बी आर फॉल्स हु एमोंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज इलेक्टेड ऑफिस इन अ ग्राम पंचायत इसमें से कौन ग्राम पंचायत में इलेक्टेड ऑफिस को संभालता है सरपंच वार्ड मेंबर सेक्रेटरी ग्राम सभा मेंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर ए एंड बी सरपंच और ग्राम सभा मेंबर 81 ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पटवारी पटवारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एग्जीक्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर अ लैंड डेवलपर लैंड डेवलपर के लिए एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बनाने हैं प्रिवेंटिंग लैंड डिस्प्यूट्स बाई इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करना है मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स लैंड को मेजर करना है और रिकॉर्ड्स का रखना है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी को कॉन्स कॉमन प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करना है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स पटवारी का काम होता है लैंड को मापना और रिकॉर्ड्स रखना नेक्स्ट एटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ सोशल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट सोशल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा करेक्ट है कमिश्नर इज इलेक्टेड बाय वार्ड काउंसिलर्स एंड रिपोर्ट्स टू हिम और हर वार्ड काउंसिलर्स फॉर्म कमिटीज टू रिजॉल्व इशूज ऑफ गवर्नेंस वार्ड काउंसिलर्स आर हेडेड बाई द सरपंच कमिश्नर ऑफ ए म्यूनिसपल कारपोरेशन मेक्स एंड डिसाइड्स द बजट फॉर द बजट फॉर द ईयर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू वार्ड काउंसिलर्स फॉर्म कमिटीज टू रिजॉल्व इशूज ऑफ गवर्नमेंट्स नेक्स्ट एटी थ्री कॉन्सिडर लिस्ट ए एंड लिस्ट बी लिस्ट ए हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट बी हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ़ लोन टेकन इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दूसरे में लोन है एग्रीकल्चरल वर्कर लार्ज फार्मर मिडिल फार्मर इसको हम मैच करेंगे लिस्ट बी के साथ कौन सा मैच होगा वही होगा हमारा आंसर एग्रीकल्चरल वर्कर हेल्थ एंड ऑक्सीजन कंजप्शन फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड ये नहीं होगा गवर्नमेंट लोन फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट ए का वन होगा लार्ज फार्मर होगा गवर्नमेंट लोन फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट मिडिल फार्मर होगा ऑप्शन नंबर टू फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड सीड्स इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द ट्रेडिंग अरेंजमेंट बिटवीन अ वीवर एंड अ मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम चूज द करेक्ट ऑप्शन पुटिंग आउट सिस्टम मीन्स होता है दादन दादन व्यवस्था दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है इसका ऑप्शन देख लेते हैं यार ने सोल्ड टू द वीवर बाय द मर्चेंट एंड वीवर मेक्स क्लॉथ फॉर सेल्फ कंजप्शन यान जो है वीवर को देता है और वो क्या करता है खुद के लिए कपड़े बुनता है यार ने सप्लाइड बाय द मर्चेंट टू द वीवर एंड क्लॉथ प्रोड्यूस बॉट बैक फ्रॉम वीवर एट अ लो प्राइस यान को मर्चेंट्स को देते हैं मर्चेंट वीवर को देते हैं फिर वो कपड़े जो बुनते हैं उनको लो प्राइस में देना पड़ता है यान इज ब्रॉड बाई विवर फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड क्लॉथ इज सोल्ड टू मर्चेंट एट अ लोअर प्राइस विवर जो है यान को खरीदते हैं और ओपन मार्केट में क्लॉथ को बेचते हैं लो प्राइस में यान एज ब्रॉड फॉर द लोएस्ट बीड फ्रॉम मर्चेंट एंड क्लॉथ इज सोल्ड एट हाई बीड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट आता है एटी फाइव कंसिडर द स्टेटमेंट ए टू ई दे फॉर्म जम्बल लिंक्स इन अ चेन ऑफ मार्केट वेयर इन कैचअप रिचेस कंज्यूमर वो ए टू ई जम्बल में दिया गया है जहाँ पे कैचअप मार्केट से कंज्यूमर तक पहुँचता है उसको अरेंज करना है सोना ऑर्डर कैचअप फ्रॉम अ नेबर शॉप फार्मर बाइज टमाटोस सीड्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर होलसेल मर्चेंट बीट्स

पहले खरीदेगा बी बी भी ए और फोर में ही है नेक्स्ट देखेंगे होलसेल मर्चेंट बीट्स फॉर टोमेटोस इन द वेजिटेबल मंडी होलसेल मर्चेंट से मंडी तक जाता है सी ये हो गया ऑप्शन नंबर फोर तो यही ठीक हो जाएगा नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट आएगा डी ए स्मॉल सिटी बेस्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाइट्स बायस टमाटोज एक स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो टमाटर खरीदता है पहले टमाटर का सीड्स खरीदता है फिर मंडी में जाता है मंडी से स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटा सा कंपनी खरीद लेता है फिर वो कैचअप को सप्लाई करता है स्टोर्स में वहाँ से सोना खरीदती है यही है हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट बी सी डी ई ए नेक्स्ट एटी सिक्स अकॉर्डिंग टू अप्लीट सिस्टम ए पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द वडिक्ट गिवन बाय द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कुड अपील टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग कोर्ट जब कोई डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट से नाखुश होता है वो कहाँ पे अपना अपील कर सकता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू कोर्ट में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से जा सकते हैं नेक्स्ट एटी सेवन कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट में के लिए कौन सा सही होगा ए पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट कितने भी मेंबर हो वो गवर्नमेंट बना सकता है नेक्स्ट लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट्स हैं इसका करेक्ट आंसर होगा वन ओनली बी इज बी ही ट्रू है नेक्स्ट आते हैं एटी एट रीड द स्टेटमेंट गिवेन बिलो नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ें द इंडियन स्टेट हैज़ मैनी चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर सत्ता को नियंत्रण और संतुलन बनाने के लिए इंडियन स्टेट के पास बहुत पावर है इसमें से इंडियन स्टेट का मतलब क्या है ये पूछा है क्वेश्चन द इंडियन ब्यूरोसी एनी स्टेट गवर्नमेंट द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट इसका करेक्ट आंसर है द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इधर इंडियन स्टेट का मतलब इंडिया का कोई स्टेट नहीं है उसका पॉलिटिकल सिस्टम को समझाता है नेक्स्ट एटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री फोकस अपॉन जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसका क्या फोकस होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशन एंड बिल्डिंग ए सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इमेजिन लिविंग इन द पास्ट एंड रिलेट टू द एक्सपीरियंसिस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू बोथ एंड बी जब हम कंसेप्ट को पढ़ाते हैं प्रेजेंट करते हैं उनको एक हिस्टोरिकल सेंस सेंस और हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी आता है माइंड में और एनकरेज भी करते हैं हम क्या बच्चों को प्रेजेंट में लेके प्रेजेंट में रह के वो पास्ट में लिविंग करते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन के साथ वो पास्ट का सिचुएशन रिलेट करते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन नाइन्टी टू ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर फॉल्स आइडेंटिफाई दिथ स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट फॉल्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है नेचुरल एंड फ़िजिकल बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी यूज ऑन शोशल साइंस ऑल्सो हमें जो नेचुरल और फिजिकल बेसिस है उसको साइंटिफिक इंक्वायरी में भी यूज़ करना है सोशल साइंस में भी यूज कर सकते हैं द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस हैज़ द टू टूअर वैल्यू ऑफ एजुकेशन ओनली सोशल साइंस का वैल्यू सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही है इसलिए गलत हो गया द सेम मैथोडोलॉजी कैन बी यूज टू टीच डिफरेंट डिसिप्लिन ऑन सोशल साइंस ये सेम मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइंस का टॉपिक्स को पढ़ाने में द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्ट्स मोर विथ इन्वॉल्वमेंट विद दैक्सिटीज रेदर दैन इन्फॉर्मेशन हमको कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे इन्वॉल्व होना है इन्फॉर्मेशन पे नहीं इसका जो दो गलत स्टेटमेंट है वो है बी एंड सी हमें सिर्फ डिसिप्लिन पे नहीं ध्यान देना है और ना ही उसको एजुकेशन पे ध्यान देना है ये हो गया आज का हमारा सोशल साइंस पार्ट का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के डिस्कस करेंगे पेडागोजिकल क्वेश्चन कुछ करेंगे और पेडागलॉजिकल टॉपिक्स भी कुछ करेंगे एग्जाम नज़दीक आ रहा है अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी श्योर टू प्रेस द बेलाइकॉन एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा थैंक यू बाय